नहीं चलेगी। ईमान बना दे ये सरकार। है कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो संसद में पिछले दिनों किसानों के हकों के विरोध में कानून बनाया गया, पार्लियामेंट में भी हठधर्मी के साथ कानून बनाया गया, पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा, सारे लोग चिल्लाते रहे, लेकिन संख्या बल के आधार पर उन्होंने कानून को पास करने का काम किया। किसानों का इससे शोषण होगा, उनके अन्याय होगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा, उनकी मेहनत का जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और किसान आगे आने वाले दिनों में खेती से वंचित हो जाएंगे। इन बातों को लेकर के देश भर के किसानों ने सड़क पे आने का निर्णय लिया है और पिछले दिनों से पता है कि दिल्ली के चारों तरफ किसानों का धरना चल रहा है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यह निर्णय लिया कि हम किसानों के आंदोलन में उनका साथ देंगे, उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसलिए आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी हो गई है और आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और मैं तो कहता हूँ, जितने दिन तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, किसानों को जब तक उनका हक नहीं मिल जाता, जब तक ये काला कानून समाप्त नहीं हो जाता, तब तक समाजवादी पार्टी किसानों के साथ इसी तरीके से लड़ाई लड़ती रहेगी। हम उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे, हर कदम पे उनके साथ खड़े रहेंगे।